वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको G5 एप्लीकेशन पर डेट वगैरह और यूज़र नेम वगैरह चेंज करते हैं प्रोफाइल का, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है अनेबल टू रिसोल्व होस्ट और नो एड्रेस एसोसिएटेड विद यूज़र होस्ट नेम। तो बेसिकली इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, दो रीज़न की वजह से ये आता है। एक तो आपके अकाउंट में एसोसिएट एड्रेस होस्ट नेम नहीं होता, या फिर बिना मतलब के इंटरनेट वगैरह के या सर्वर वर्वर डाउन के इशू से आ जाता है। तो अब सॉल्व कैसे करें इसको, तो सबसे पहले यहाँ से मिनिमाइज आ जाना है और प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर G5 को सर्च कर लेना है, ठीक है। और अगर इसमें आपको अपडेट मिलता है तो अपडेट कर लीजिए, सबसे पहले आपको अपडेट ही करना है। उसके बाद बैक ला दीजिए और अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, और उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट पर जाइए और यहाँ पर एरोप्लेन मोड को एक दफ़े लगा लीजिए और बंद कर दीजिए। फिर बैक ला दीजिए, ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाइए, सियाल ऐप्स को खोल लीजिए और G5 एप्लीकेशन को आप यहाँ पर फाइंड कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इसको फाइंड कर लेता हूँ। फोर्स स्टॉप मार देना है, मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर जाना है, बैकग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर देना है, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा को बंद रहने देना है, ठीक है। उसके बाद फिर बैक ला दीजिए और यहाँ पर सिस्टम में जाना है, डेट एंड टाइम पर जाना है, यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर आपको टिक करके लगा देना है, और टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो टाइम जोन पर भी क्लिक करके आप लगा दीजिए। तो आपको तय करना है, फिर कुछ भी नहीं करना है। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ़ोन को आप ज़रूर बंद करके चालू करिएगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा इशू। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।